किसी भी देश के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है बच्चों को सही पोषण मिलना। शिशु को गर्भ में और बचपन में जितना अच्छा पोषण मिलता है उतना अच्छा उसका मानसिक विकास होता है और वो स्वस्थ रहता है। बच्चों को सही पोषण मिल सके इसके लिए जरूरी है कि माँ को भी पूरा पोषण मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पोषण अभियान की शुरुआत की थी, जो आज एक जन आंदोलन बन चुका है। देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। पोषण अभियान को और मजबूती देने के लिए साल 2021-22 के बजट में मिशन 2.0 को एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में घोषित किया गया था। मिशन 2.0 को सफल बनाने के लिए पिछले कुछ सालों में काफी प्रयास किए गए हैं। बजट 2022 में पोषण 2 स्कीम के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए दिए गए हैं। पोषण अभियान के प्रति अपनी जागरूकता और जानकारी परखने के लिए आप बन सकते हैं पोषण पखवाड़ा 2022 क्विज का हिस्सा। इसमें शामिल होने के लिए विजिट करें quiz.mygov.in।